धियात्रिलोकिनाथस्य शासिनं जिनसासिनं सासिनं जिनसासिनं सासिनं जिनसासिनं Dumurin tadum, dumu siddhadum, dumu airiyadum, dumu sayadum, dumu loisuisafudum. Anantanan purum siddhavaniki. एक जडगवान संतिना सोमी की, एक जडगवान महावीर सोमी की, परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद सोमी की, परम पूज आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की, अहिंसा मय विश्व धर्म की। धन उनके पर्याय ऐसी शीत की लहरों में भी जो मित्र जगत की चाय की प्याली नहीं पीत करके जिन वाणी के पान करने की प्रणाम रखते हैं, यही मान के चलना आज पूर्व पर्याय के पुण्य का द्रव्य कहीं हमारे पल्ले में रखा होगा, जिसके नियोग से ऐसे खोटे कलयुग में भी शांत प्रणाम करने के परिणाम हुए। इस बात को मत स्वीकारना, मैं धनपति हूं, भूपति हूं, श्रीपति हूं, ऐसे विश्व में बहुत बड़े श्रीपति हैं, मुमुक्षु और भाग्य समात्मा का माना कि मेरे पास परमात्मा के चरणों में आस्था का स्थान है। कोटि कोटि भव निकल गए जीव के जो कि सत्यार्थ मार्ग पर श्रद्धा नहीं कर सके, क्या नहीं? जो कुछ आनंद है, आप विश्वास मानिए, जो कुछ आनंद है वो मात्र श्रद्धा का है, विश्वास का आनंद है। विश्वास नहीं है, एक रोटी नहीं खा सकते आप, कहीं भ्रम हो जाए इसमें जहर तो नहीं डाल दिया। जैसे ज्ञानी किसी भी भोजनालय पर आप अपरिचित भी होता है वहां की रोटी खाने खड़े हो जाते, बोले क्यों, पेट भरेगा। जैसे अपरिचित भोजनालय पर भी खड़े होकर तुम रोटी खाने लगते पेट भरेगा, ऐसे मित्र परमात्मा के चरणों में कहीं भी जिन मंदिर दिख जाए तुम सिर टेकने पहुंचे, बोले क्यों, परमात्मा बनने का मार्ग मिलेगा। एक कौए को मैंने नल से पानी पीते देखा, मधुबन में सम्मेश्वर में माताओं, एक बंदर जो टंकी से पानी गिर रहा था उसने नाली का पानी नहीं पिया, जाकर के टंकी में जहां पानी गिर रहा था वहां जाके सबके सब पकड़ करके पानी पी रहे थे। ओह, एक त्रियंच जमीन पे गिरा पानी नहीं पी रहा था दिनेश, वो अंदर जो टंकी से पानी जो गिर रहा था उसमें ऐसे हाथ लगा करके ऐसे पी रहा था बंदर पानी, और क्रम क्रम से सारे बंदर में से पानी पी रहे थे। ये बंदर मलिन पानी नहीं पीना चाहते हैं,
स्वच्छ पानी पी रहे हैं। जब बंदर जमीन का पानी नहीं पी रहा, स्वच्छ पानी पी रहा है मित्र, तो हम जगत के प्रपंच की बात को क्यों सुनेंगे, हम सच्ची जिनवाणी पिएंगे। स्वच्छ पानी पिएगा, खंतियों का नालों का पानी नहीं पिएगा तो शरीर निरोग रहेगा, और जितना गंदा पानी पिएगा शरीर में रोग होंगे। ऐसे जैसे मित्र शरीर का रोग ठीक करना है तो स्वच्छ पानी पीजिए, और मन का रोग ठीक करना तो सच्ची जिनवाणी सुनिए। अर्हत देशना को सुने बिना चित्त शांत नहीं हो सकता, चित्त शांत नहीं हो सकता। अरबों खरबों की संपत्तिशाली भी पवन भैया पागल होते देखे जाते हैं, अरबों खरबों की संपत्तिशाली आदमी पागल होकर देखे जाते हैं, और गरीब एक श्रावक सुबह शाम शुद्ध भोजन करके दिन में 3 बार स्वाद देकर रहा है, वो प्रसन्न चित्त दिखता है। पिल्ले देखे आपने? पिल्ले जानते हो? हाँ, पिल्ले जानते हैं। माँ अपनी माँ की आंचल का दूध पी करके उछलते मिलते हैं। पिल्ले देखे अपनी माँ की आंचल का दूध पी करके उछलते मिलते हैं। जब माँ का दूध छूट जाता तो घूरे पर ऐसे दुबले पतले मिलते हैं। आप देखो मेरी तरफ और मुझे मत देखो, जो मैं कह रहा वहां पहुंचिए। जब पिल्ले छोटे होते हैं माँ का दूध पीते हैं अभिनंदन मित्र, तब भी उछलते मिलते हैं, और जैसे ही माँ का दूध छूटा और घूरे का मल खाने लगते हैं तो कमर ऐसी हो जाती है दुबली पतली। बस बेटा, जो लोग माँ जिनवाणी को पीते हैं वे फुदकते मिलते हैं, जो बाहर के घूरे में जाते हैं उनके हृदय। अभी तो पूरी बात ही नहीं हुई। माँ का दूध छूटा तो पिल्लों के चेहरे बदल जाते हैं मित्र, पिल्लों के चेहरे बदल जाते हैं। अहो मुमुक्षु, माँ जिनवाणी छूट गई तो चेहरे बदल जाएंगे, और माँ जिनवाणी पीते रहे तो चेहरे फुदकते मिलेंगे। इसलिए यहां पर ज्ञान की महिमा की व्याख्या चल रही है। गुरुस्थान, गुरुस्थान नाम सुनिए क्या है। गुणस्थान, जो गुणों का स्थान है, बोला उसका नाम गुणस्थान। गुणस्थान, थान यानी स्थान, गुणस्थान जो गुणों का स्थान है उसका नाम गुणस्थान। भवन की ऊंचाइयां ईंटों से बढ़ती हैं, भवन की ऊंचाइयां मोंगनाची ईंटों से बढ़ती है, गुणस्थान की ऊंचाइयां भावों से बढ़ती है। भवन ईंटों पर ईंट रखते चले जाओ ऊंचा भवन बन जाता है, लेकिन भावनाएं ऊंची होती गई तो गुणस्थान 14 बन जाते हैं। एक जीव जगती पर शक्ति पर कठिन साधना ये नहीं है कि मैं शीत बाधा सहन कर रहा हूं, विश्वास मानना। कठिन साधना ये नहीं है मैं खुले शरीर ठंडी में बैठा हूं। कठिन साधना ये है कि शीत सहन करने में भी सीसी नहीं हो रही है। कठिन साधना ये नहीं है कि खुले तन में बैठा हूं, कठिन साधना ये है खुले मन बैठना चाहिए। खुले तन तो पशु भी बैठ लेते हैं, खुले तन तो पक्षी भी घूमते हैं, जिनकी मन खुले हैं सबको एक साथ देखते हैं एक साथ जानते हैं, उसका नाम दिगंबर मुनि होता है। कि पांड्या हमारा मित्र, विश्वास रखना ज्ञानी, हंस जब जाएगा ये दोनों बैठे ही रह जाएंगे, तुम अकेले ही चले जाओगे। इसलिए अकेले जाने के पूर्व
सबके से मिलके जाना पर मिलके मत जाना। बासल से मिलके रहना, मिलके जाना पर राग से मिलके मत जाना। बासल से मिलके जाओगे तो सम्यक का अंग है कर्म निर्जरा होगी, और राग से मिलके जाओगे तो बंद होके जाएगा। इसलिए ज्ञानियों, जगत के प्राणियों से वासल तो रखना पर राग मत रखना। राग में वासल में महान अंतर है। राग विषय कसाय से युक्त होता है और वासल धर्म धर्मात्मा के साथ होता है। इतनी श्रावक कल आए, आपने सबको प्रेम से भोजन कराया, ये था वासल। आपके रिश्तेदार आए पवन भैया घर ले गए, ये था राग। अंतर समझ में आ गया? जो आप सबको मिलके खिला रहे थे समाज में, वो चल रहा था वात्सल्य। मित्र वो वात्सल्य वो चल रहा था, वो अलग से चुन करके ले गए। अरे आप हैदराबाद से आए, चलो घर में चलो। मित्र ये था राग। राग में वात्सल्य महान अंतर है। मां धर्मात्मा को भोजन खिलाती हो वह वात्सल्य, और बेटे को परोसती हो वो राग। एक रोटी का टुकड़ा, कितना अंतर। एक रोटी का टुकड़ा कि एक तुम्हारे मोक्ष मार्ग को निर्मित कर रहा है और एक तुम्हारे संसार को निर्मित कर रहा है। बेटे को पड़ोसा है वो संसार बढ़ा दिया, और एक निर्गंत मुनि के हाथ पर ग्रास रख दिया, तुम्हारा मोक्ष मार्ग खोल दिया। वस्तु वस्तु है, वस्तु वस्तु है। बहुत सारे लोग सोचते हैं ये मुनिराज जब आहार को निकलते हैं कितनी भीड़ दौड़ती है। मित्र कोई भीड़ मुनिराज के लिए नहीं दौड़ती, ये सब स्वार्थी जगत है अपने कर्म की निर्जा के लिए दौड़ती है। यदि व्यक्ति को आनंद ना है, निश्चय बालक तू यहां क्यों बैठा? बेटा घर द्वार नहीं है क्या तेरे पास? क्या घर से कलकत्ता वालों ने भगा दिया तुझे? सत्य ये है ये मेरे लिए नहीं आए, विश्वास मानिए, ये मेरे लिए तो नहीं आए। निश्चय खड़ा होगा क्या? एक प्रश्न है, इन भैया की उम्र में बहुत बड़ा कुआं है, एक कुएं पे जाते हैं, इनसे पूछना कि मित्र कुएं के लिए जाते हो, कुएं के लिए जाते हो कि अपने लिए जाते हो? पूछ बेटा, चिंता मत कर। इनके लिए जिस विद्वान ने पढ़ाया ना संस्कृत, उन्होंने मुझे भी पढ़ाई है, तो इनको कारक पता है किसके लिए जाते हैं। एक मेघनाथ नाम के मार साहब थे, भी है, उन्होंने दोनों को पढ़ाया है। लेकिन प्रश्न ये है किसके लिए, कुएं के लिए जाते हो कि अपने लिए जाते हो? बेट पूछे पूछा बेट बेट पूछो अपने लिए आते ना मेरे मित्र, यदि अपने लिए जाते हैं पीछे मुड़ जाओ। इन सबसे पूछो महाराज के लिए आए हो कि अपने लिए आए हो? बेटे बोल, ऐसे पूछो, पूरा शब्द बोलो। बहु ज्ञानियों, अपने लिए आए हो कि महाराज के लिए आए हो? देखा, इसका मतलब मैं कब से शब्द बोलता जा रहा हूं कि जगत मेरे लिए नहीं आता, अपने लिए आते हैं। कि पानी ना पीना होता तो कुएं के पास क्यों जाते? जिन्हें वाणी नहीं सुनना होती तो मेरे पास क्यों आते? अपनी दुनिया अपने लिए आती है,
इसलिए किसी का नहीं एहसान कि विशुद्ध सागर के लिए आए हैं। मित्र न दिखाओ एहसान इस बात का कि मैं कुएं के लिए आया हूं, तुमको प्यास लगी थी इसलिए आए हो, तुमको कर्म से छूटने के लिए और मोक्ष जाने की प्यास है इसे तुम गुरुओं के पास जाना चाहिए। बराबर बराबर बैठ जाओ, जीवों को देख के बैठना। योगेश्वर किसी के लिए मुनि नहीं बनते, अपने लिए ही मुनि बनते। विश्वास मानना, मैं भी प्रवचन आपके लिए नहीं कर रहा हूं। ऐसा लगता है आपको कि मेरे लिए प्रवचन सुना रहे हैं, जो सुना रहा है उसे सोचना पड़ेगा, जो सुना रहा है उसे वैसा जीना पड़ेगा। नहीं सोच पाए तो यदवा तदवा बोल दोगे, वो नहीं जी पाए तो तुम्हें कोई गुरु नहीं मानेगा। अहो सुनाने वालों, सुनाने के पहले जीना सीख लेना। जो जी बिना सुनाना जानते हैं वे नाटक के पात्र होते हैं, जो जी बिना सुनाना जानते हैं वे नाटक के पात्र होते हैं, जो जी के सुनाते हैं वे निर्गंत गुरु होते हैं। कौशल्या के राम ने कभी रावण के साथ पान नहीं खाया, कौशल्या के राम ने कभी रावण के साथ पान नहीं खाया, पर रामलीला के राम ने रावण के साथ पान खाया, मैंने देखा है। भैया पहले बहुत रामलीला होती थी, याद है आपको? भी सगे मित्र होते थे पर एक पार्ट रावण का करता था, एक पार्ट राम का करता था। सगे मित्र होते थे, पर्दे के अंदर पान खाते थे, बाहर दहाड़ते थे, परंतु श्री राम जब कौशल्या मां के राम थे ना, वे रावण के साथ पान तो नहीं खाते थे पर रावण के प्रति भी सद्भावना रखते थे। विश्वास मानिए, रावण के प्रति भी राम की सद्भावना थी। राम ने कभी नहीं कहा है लंकेश में तुझे मार दूंगा, राम ने हर्ष में ही कहा है कि मुझे अपनी सीता से प्रयोजन है, आप मेरी सीता को वापस कर दो, तुम अपना राज्य करो, हम अपना राज्य करते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, प्रक्षीण पुण्यम विनिष्ठे विचारणम, जिसका पुण्य क्षीण हो जाता है उसकी सर्वबुद्धि आती नहीं है। सद्बुद्धि उन्हीं के पास होती है मित्र, सम्यक सद्बुद्धि उन्हीं के पास होती है जिनके पास सद्पुण्य होता है, और सद्पुण्य नहीं है तो मित्र सद्बुद्धि आती नहीं है। इसलिए 24 घंटे में कम से कम एक मिनट अपने आप को देना प्रारंभ करो, कि इतना सोचना प्रारंभ करो कि मेरे मस्तिष्क में दूसरे के बारे में क्या विचार चल रहे हैं, मेरे मस्तिष्क में दूसरे के बारे में क्या विचार चल रहे हैं, और क्या ये विचार मेरे सफल होंगे। बहुत स्पष्ट पूछ रहा हूं मैं आपसे, पुनः कहता हूं, माताओं मेरे अंदर दूसरे के प्रति क्या विचार चल रहे हैं, जो विचार चल रहे हैं क्या वे पूर्ण होंगे, बे विचार फलित होना हो, उन विचारों से जो दुर्भावना उत्पन्न हुई है वो फलित नियम से होगी। माना कि हाथी साहब सोच रहे हैं कि हजारीबाग के अध्यक्ष का पद मुझे मिल जाए, वो मिलने वाला तो दिखता नहीं है पर सोच रहे हैं। मित्र सोचते कितने सोचते रहो, पद मिले ना मिले पद की राग का जो लोभ है उसके पाप का बंद का फल जरूर मिल जाएगा। क्या हो गया सभा में, इस सन्नाटा क्यों है? इतनी शांत क्यों? ये हजारीबाग की माताएं भी इतनी शांत हैं? कोई आपको सिखा गया कि विशुद्ध सागर जाए तो मोल ले लेना?
इसका मतलब समझो, ये शांति मेरे कारण नहीं है, इस शांति भी आपको अपनी करतूती के कारण की। आप सोच रहे हो कि बात सत्य है कि नहीं, बात सत्य है कि नहीं, बराबर सुन लीजिए, बात सत्य है कि नहीं। जो आप सोच रहे हो हाथी सा है वो पूरा हो जाता है क्या? जब नहीं होता है तो सोचते ही क्यों हो? सत्य है तो फिर बैठ जाओ। इसलिए सोचना बंद करो, सोचना बंद करो, चिंतन करना प्रारंभ करो। मुमुक्षु जीव मोक्ष मार्गी सोचता कम है चिंतन अधिक करता है। सुखी पुण्य पाप पर विचार करना चाहिए, सुखी पुण्य पाप पर विचार करना चाहिए। पर्वत को उखाड़ने वाला लंकेश भी रावण हो गया, महात्मा प्रसन्न सागर आए क्या? पर्वत को उखाड़ने वाला लंकेश भी रावण हो गया। रावण नाम जन्म का नहीं है रावण का, रावण नाम रावण जन्म का नहीं है उसका, उसका नाम था दशानन। दशानन का मतलब उसके 10 शिष्य नहीं थे, दशानन के पास इतना सुंदर क्या था मालूम? उसकी मां के गले में एक हार था, और उसकी मां के गले में जो हार था बहुत सुंदर था, दिव्य हार था। जब दशानन अपनी मां के सामने जाता है तो उसकी मां के हार के मोतियों में उसके 10 सिर दिखाई दिए। सो बेटे का नाम दशानन हो गया। पर आप कहेंगे महाराज जी वो युद्ध करता था तो अलग अलग सिर कट के गिरे थे, वो क्या हुआ? मित्र, वो रावण के सिर नहीं थे, वो रावण ने विद्या से सिर बनाए थे। बहुरूपनी विद्या रावण को सिद्ध थी, उस विद्या से 10 क्या हजारों रूप बनाता था और सिर कटते दिखते थे। तो लोग यही सोचते थे कि रावण मर गया, लेकिन रावण का जो मूल सिर था वो कटा ही नहीं था। दशानन, लंकेश, लंका का स्वामी लंकेश, तो फिर रावण कैसे हो गया? रावण ऐसे हो गया, बाली सुग्रीव उनकी बहन को रावण चाहता था। बाली ने कहा मैं अपनी बहन नहीं दे सकता और रावण को मैं चकनाचूर कर दूंगा। पर कुछ समय के उपरांत बाली ने निर्णय किया, संसार असार, अपने एक भोग के पीछे अनेकों को जीव नष्ट करते देखे जाते हैं। एक राजनीति के अंदर प्रवेश कर जा, आज कितना समय अशुभ आ चुका है। एक पार्षद का चुनाव जीतने के लिए कितने मुर्गों को आहूत करके आते हैं लोग, कितनी शराब बांटते हैं लोग, कितने दिन की तुम्हारे पार्षद पना है, पर पंचेंद्री की हत्या करने में तुम उतारू हो। हर एक तिलक लगाए आया नेता दिनेश लगता कि बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन मां सहारियों को बकरे और मुर्गे वो बांटते हैं, उन्हें पता नहीं है ये 5 साल के पीछे हम कौन से नरक में जाएंगे। मुर्गे बांट करके तुम जीते तो क्या जीत तुम्हारी है? प्रेम बासल बांट के जीतो तो तुम्हारी जीत है। किसी के दोस्त निकाल करके अपने विजयी होने की कामना तो बहुत नेता करते हैं। राम जैसे गुणवान बन के विश्व के नेता बनने की कोशिश करो। बाली ने निर्णय किया युद्ध में कितने जीव मरेंगे,
बाली को वैराग हो गया, बिंद्रगंत मुनि बन गए। जब बाली मुनिराज बने, रावण विमान से जा रहा था, ये नियत है जहां श्रेष्ठ जिनबिंब हो, जिनालय हो, रिद्धिधारी मुनिराज हो अथवा शत्रु हो, उनके ऊपर से विमान नहीं निकलता। शत्रु बलवान है, नहीं निकल पाएगा, ये नियोग है। तो जो रावण जा रहा था पुष्पक विमान में, कैलाश पर्वत पर बाली मुनिराज ध्यान कर रहे थे, जैसी विमान मुनिराज के ऊपर से निकलना प्रारंभ किया, वहां का वहीं रुक गया। जब विमान नहीं चला, हिला ही नहीं, तो रावण पूछता अपने मारीची से, उसका मारीची मंत्री था, मारीची क्या हुआ? स्वामी, यहां धरती के देवता दिगंबर मुनिराज हैं, इनके ऊपर से विमान कैसे निकल सकता है? मारीची ने विनय से कहा, पर रावण ने विमान से झांक के देखा, बाली को पहचान गया। बोले, ये मेरा शत्रु आज मुनि बन के खड़ा हुआ है। सत्य है, जिसके भीतर द्वेष बुद्धि है पवन भैया, उसे भगवान में भी शत्रु दिखते हैं, और जिसके भीतर भक्ति है ना, उस सामान्य इंसान में भी भगवान दिखते हैं। जगत में चंदन कोई वस्तु अशुभ नहीं है, जगत में कोई वस्तु अशुभ नहीं है। हमारे भाव अशुभ हैं तो वस्तु अशुभ दिखती है, और भाव पवित्र हैं तो हर वस्तु पवित्र दिखती है। एक भैया कल यहां पर आया दिल्ली से, वो कह रहा था, महाराज जी हमने 1000 बकरे बचाए हैं, दुनिया को मात्र गाय दिखती है। वो कह रहा था, स्वामी मुझे सारे पशुओं की रक्षा के भाव हैं, अपने पैसों से खरीद करके जो लोग बलि चढ़ाने जाते हैं, वो उसने एक स्थान बना के रखा, बक्साला बना के रखी है, सारे बकरों को वहां पाल रहा है। इसलिए कभी नहीं सोचना पांड्या जी की बड़ी सिटियों में धर्मात्मा नहीं रहते, बड़ी सिटियों में भी धर्मात्मा होते हैं, छोटे नगरों में भी धर्मात्मा, छोटे गांव में धर्मात्मा होते हैं। मेरे मित्र, पापी की अपनी अलग दशा है और पुण्यात्मा की अलग दशा है। यदि आपने एक मंदिर की रक्षा की, तो ये सोचना चाहिए कि मेरे माता पिता का रजवीर सफल हो गया, कि मेरे द्वारा जिनाले की सेवा हुई है। एक मुनिराज को तुमने आहार दे दिया पवन भैया, विश्वास रखना, आप सोचना कि मेरे माता पिता का काम पूरा सफल हुआ है, कि मैं उनका ऐसा पुत्र हुआ हूं कि निर्गंतों की सेवा में लगा हूं। माताओं, ऐसे संस्कार देना संतान को, जो साधु बने वो साधु ना बन पाए, कम से कम साधु की सेवा करते रहें। एक नगर के में मुनिराज प्रमाण सागर हुए, तो पूरी समाज मुस्कुराती कि नहीं मुस्कुराती, बड़े गौरव से कहते, मैं मेरे गांव के प्रमाण सागर जी हैं। अब ऐसा नहीं बोलते, अब ऐसा बोलते हो, प्रमाण सागर गांव के समय आया। ओहो, दिगंबर मुनिराज सीत संता की वेदना सहन करते हैं, लेकिन संपूर्ण समाज मुस्कुराती, बोले कौन हो तुम? दिगंबर, जिनके नाम पर तुम दिगंबर हो, उन निर्गंतों को चरणों को पूजो, मित्र अंबरों से युक्त हो, फिर भी तुम दिगंबर हो। किसके नाम पर? इन मुनियों के नाम पर तुम दिगंबर हो। बराबर बिराजो, जीवों को देख लेना। रावण कुपित हो गया, बोले मेरा शत्रु सत्य है, सत्य है।
जब तक तुमको शत्रु दिखते रहेंगे तब तक भी भगवान बन जाएंगे। बेटा ऐसे बुजुर्ग हैं, उन्हें बच्चा बच्चे ही दिख रहा है, वो कलेक्टर बन गया। वो मालूम चला कि अपराध कर दिया बुजुर्ग ने, और कलेक्टर के सामने हाथ जोड़ी खड़ा होना पड़ा। अब पहचान गए, अरे तू मोड़ा मेरे गाँव को, अरे चोड़ोत कौन के गाँव को मोड़ा, कौन का बाबू, तुम तो सुनो अपराध किया, कटघरे में खड़ी हो जाओ। यहां उम्र का कोई स्थान नहीं है, गुणों का स्थान है, इसलिए ज्ञानियों मोक्ष मार्ग कहता है। यहां आयु की पूजा नहीं है, यहां रत्नत्रय की पूजा है। बोला किसकी पूजा? बेतमाय स्वातम निसंग, सब तुम्हारे बीच के ही है। मुझे बड़ा सोच है कि तुम जैसा जीव नीचे बैठा 25 साल से, लोग सोच रहे हैं भाई इसके हाथ पे मैं गिरास रख पाऊं, पर तू सोच ही नहीं पा रहा है कि मैं वही गिरास ले पाऊं। बाली के अंदर कोई विकार नहीं था, मुरझाया ध्यान में लीन थे। आवश्यकता नहीं है जिसे तुम शत्रु मान रहे हो वो तुम्हारे बारे में शत्रुता सोच रहा हो। पुण्यसनी में क्या बोल रहा हूं, आवश्यकता नहीं है जिसे आप शत्रु मानते हो वो तुम्हारे बारे में शत्रुता रखता हो। ये उपज तुम्हारी मस्तिष्क की है कि सामने वाला मेरे शत्रु है। एक फली होती, फली वो फली होती मालूम, वो यदि जरा से झड़ जाए तो खुजली हो जाती है, दोंदिया, समझ गए, खुजली हो जाती है। जरा सा कहीं उसका कण पड़ गया फिर तुम खुजाते फिरो। ऐसे ज्ञानियों किसी की मस्तिष्क में क्रोध की फली के समान कोई बुद्धि उपज गई कि ये सामने वाला मेरा शत्रु है, वो तुमको अमृत भी पिलाएगा तुमको जहर ही दिखेगा। अमृत भी पिलाएगा जहर दिखेगा, क्योंकि तुम्हारे मस्तिष्क में दोंदिया की फली आ गई है, क्रोध की फली आ गई है। फिर तो मालूम बिना गोबर लगाए वो छूटता नहीं है, उसको छुटाने का मां एक ही उपाय है, गोबर लगाना पड़ता तब वो छूटता है। साबुन से भी नहीं छूटता वो, तो गोबर से छूटता है। ओहो, गोबर से छूटता है। बस जिनके पुण्य क्षीण हो गए ना उनको गोबर ही से पसंद आता है। मेरे मित्र ने अमृत कहां दिखता है? लंकेश एक मारीची यूं कह रहा है कि सोमी ये निर्गंत दिगंबर मुरराज है, इनकी वंदना करने से चारित मुनि करण का अच्छे हो जाता है। और रावण कहता कि मैं देखता हूं ये यहां ढोंग करता है, बेतपस्या कर रहे हैं उसको, लंकेश को ढोंगे दिख रहे हैं, बोले ढोंग कर रहा है, मेरे विमान को रोक करके साधु रूप बना के खड़ा हुआ है, अभी भी अहंकार नहीं गया है, मेरे विमान कैसे रोका मैं इसको? क्या भाषा सुन क्या हो रही, इसको क्या, जिस पर्वत पर खड़े हैं ना इन्होंने मेरे बल को नहीं देखा, मैं पर्वत को ही नीचे गिरा देता हूं। और रावण अपनी विद्याओं को आह्वान करके बलशाली होकर के कैलाश पर्वत के नीचे जड़ में घुस गया, पर्वत को हिलाने के लिए तैयार हो गया। वृक्ष टूट टूट के गिरने लग गए, नदी तालाब के पानी नीचे दरारों में चले गए, सरोवर सूखने लग गए। तब जब मालूम गुलाब चंद जी आप जैसे सेठों को धर्म की रक्षा का भाव नहीं जगता, तब मुरराजों को ही दया आती है। सासु मुनियों पर उपसर्ग हुआ, एक श्रावक नहीं गया बचाने के लिए, तब विष्णु कुमार मुरराज ही आए थे। बाली क्या विचारते हैं,
बाली मुनिराज क्या सोचते हैं कि ओ हो, मुझे नहीं चिंता इस तन की, लेकिन प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र भरत, जिनके नाम पर इस भारत का नाम भारत है, उन्होंने इस कैलाश पर्वत पर 72 स्वर्णमय जिनालय की स्थापना की है। वे मंदिर आज भी दिखाई देते हैं चीन से। स्वर्णमय जिनालय, रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान हैं, और कितने जिन मंदिर नष्ट हो जाएंगे, कितने जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा विचार करुणा से भर करके मुनिराज ने अपने एक पैर के अंगूठे को पर्वत को दबा दिया। रावण वहीं चीख पड़ा, रोने लगा, चिल्लाने लगा। तो मंदोदरी रोकर पहुंचती है मुनिराज के चरणों में, सौमी मुझे पति का वरदान दो। अब तो रोने पहुंच गई मंदोदरी, जब नहीं मांगने गई थी सौमी, 72 जिनानों की रक्षा करो, पर्वत मत हिलाओ। पर मुनिराज का उद्देश्य कोई रावण को कष्ट देना नहीं था, जिनालयों की रक्षा का था। जब रावण लंकेश दशानन रोने लग गया, वहां से आवाज रोने की आने लग गई, रावण रावण रावण, रोवण रोवण रोवण, उसका नाम क्या था, रोवण, रोया रोया रोया, रोवण रोवण, रो से वो चला गया, रावण बच गया, उसका नाम हो गया रावण। इसलिए ज्ञानियों, ऐसा काम मत करना कभी जीवन में कि रावण बनना पड़ जाए। न जिन मंदिरों का नाश करना, न निर्ग्रंथों पर उपसर्ग करना, बन सके तो हाथ जोड़ करके वंदना कर लेना, बंद ना करना। बन सके तो, माता हो सुन रहे ना, बन सके तो वंदना कर लेना, बंद ना करना। दशानन रावण हो गया, क्यों हुआ, रोने के कारण। किसने रुलाया, यही कहोगे ना, बलि मुनिराज ने रुलाया। आज इतने बड़े शास्त्री बन गए, स्वयं के प्रणामों ने, ओहो धन्नु आपके ज्ञान को, स्वयं के प्रणामों ने। जब घर में तू तू में हो जाती, फिर क्यों तुम रावण बन के खड़े हो जाते हो, फिर का करो स्वयं के प्रणामों ने। फिर तुरंत कहेंगे बिट्टू, बोले आ जाए तलाक। ओहो तब कहो मित्र, कर्म का उदय था तो ऐसी देवी मिली, मोहे सब सुंदर पर परिणाम है सुंदर। इसलिए उसमें निर्णय करना चाहिए, यानी स्वयं के प्रणाम होने, भाई भाई से लड़ने खड़े हो ना, वहां कहना स्वयं के प्रणाम होने, पड़ोसी से झगड़ा होने लगे बोले स्वयं के प्रणाम होने। रावण को किसने रुलाया, जरा जोर से बोलना। हो अब हजारी बाग वालों को प्रवचन की क्या आवश्यकता है, जब उनको मालूम चल ही गया गुरुजी स्वयं के प्रणामों ने, जब स्वयं के प्रणामों से कार्य होता ही है, तो मित्र जगत को सुधारने की अपेक्षा स्वयं के प्रणाम ही सुधार लो, तो परमात्मा बन जाओ। स्वयं के प्रणामों ने, प्रणाम संभाल लिए तो जन्म सफल हो जाएगा, बोला फिर कोई जन्मदिन नहीं मनाना पड़ेगा। जितना आनंद मुझे कल नहीं आ रहा था, बिल्कुल नहीं आ रहा था, आज आ रहा है। बोले क्यों, आज जिनवाणी अम्मा की गोद में अपन खेल रहे हैं, कल तो बाहर के ढोल ढमाके चल रहे थे, अब क्या करूं, कभी झेलना पड़ता है, मैं बैठा बैठा झेल रहा था। ठीक है भाई, सुन लो इनकी भी, पर सत्य यह है, ऐसे 2 घंटे आप सब महाराजों को प्रवचन करा देते तो पावर बहुत आनंद आता। ज्ञानी
ज्ञानी रावण को किसने रुलाया? सरवार सागर जी आप आए हो क्या? अच्छा, रावण को भैया किसने रुलाया? अपने प्रणामों से। ज्ञानी विश्वास रखना, निमित्त कोई भी बन के आ जाए पर रुलाने वाले अपने ही प्रणाम है। हमारे प्रणाम विशुद्ध हैं तो जगत में रुलाने की किसी में क्षमता नहीं है। कम से कम पवन अध्यक्ष कहां भेज दिया आपने? अच्छा बैठो अध्यक्ष जी, बहुत स्वाध्याय करते। एक सज्जन ने कल कहा, तुम गुरुजी से अभी मिले हो? बोले तुमको क्या मालूम कब से मिला हूं? बोले मेरे नगर में स्वाध्याय तो उन्हीं के ग्रंथों का चल रहा है, आप कह रहे अभी मिले हो, मैं तो कब से मिला हूं। इसलिए भैया विश्वास मानना। एक सज्जन ने पुनः प्रश्न किया मेरे से, अध्यक्ष जी मैं कल आ रहा था, हजारीबाग का छोटा सा बच्चा देख करके मुस्कुराने लगा। जब मुस्कुराने लगा तो एक सज्जन के मन में प्रश्न आ गया, बोले भैया महाराज जी तो आज आए ना, तुम इनको जानते हो क्या? महाराज जी को क्या? महाराज तुझे जानते क्या? मैंने कहा मित्र वो मुझे नहीं जानता, मैं भी उज्जैन को उसे नहीं जानता, पर तुम मालूम होना चाहिए दिगंबर मुद्रा से कौन अपरिचित है। दिगंबर मुद्रा से कौन अपरिचित है? देश के कोने कोने में छोटा सा बच्चा जैन नहीं है, जैन नहीं है मालूम। एक जगह में बिहार कर रहा था, रास्ते में एक बच्चा खड़ा हुआ था बुंदेलखंड में, और दोनों मालूम नंगे थे, दोनों नंगे थे। सो एक बच्चा कहते ओ नंगे गए नंगे गए, तो दूसरा मालूम क्या बुंदेलखंडी बोलता है, बोले तुम कौन फुसन्ना पहने, तू भी तो नंगा है देख। मैंने कहा देखो भाई उत्तर देने वाले सामने खड़े ही है तो तुमको परेशान होने क्या हो सकता। अमरावती में एक बच्चा चबूतरे पर खड़ा, वो मराठी में बोलता, मराठी में बोले आई आई लोकर आ, आई आई लोकर आ, जेनियों के भगवान जा रहे हैं। मतलब उस बच्चे को नंगा नहीं दिखे, वो बोला जेनियों के भगवान जा रहे हैं। इसलिए ज्ञानियों जिसकी आंख में भगवत्ता है उसको मित्र पाषाण की प्रतिमा में भगवान दिखते हैं, जिसकी आंख में कंकड़ है उसको शंकर में भी कंकड़ दिखते हैं। अध्यक्ष जी, पवन भैया अध्यक्ष जी खड़ा क्यों किया बताओगे क्या आप? मालूम आप लोग इतने मगन हो गए कि पहले क्या बोला। आहा कितना ज्ञानी, एक ही दिन में ज्ञानी हो गया जी, इसमें कोई शंका नहीं है, परम सत्य है। जब तीर्थंकर ऋषभदेव की वाणी गिरती थी तो वो बोलते थे हे भरत, महावीर की वाणी गिरती थी हे श्रणिक, तो मित्र तुम भी तो पुण्यात्मा पवन के, हे पवन लोग तरसते हैं। कुछ लोग तो इसलिए प्रवचन सुनने आते हैं, बोले कुछ समझ में आए ना, लेकिन गुरुजी नाम तो लेंगे तो आनंद आ जाएगा। पर कोई बात नहीं है, यदि बच्चे को बतासे दे करके गोली खिलाई जाए और स्वास्थ्य ठीक हो जाए तो मेरे नाम लेने तुम यदि आते हो, कहीं काम बन गया तो मेरे मित्र भगवान बन जाओगे। विराजो अध्यक्ष जी, मैंने इसलिए खड़ा किया था आपको, मित्र जरूर जरूर अवश्य ही कोई ऐसी पुण्य की कड़ी डली अपने पास है कि जहां पर लोग सुबह से छुरी लिए रोड पर बैठे हैं। अभी तक तो पूरे देश को देखा जाए तो करोड़ों जीव ऊपर जा चुके हैं, छुरी लिए बैठे हैं। दक्षिण भारत में बहुत बिहार करके आया हूं सुबह से, ओहो जैसे आप कपड़े धोते ना, वे जीवों के टुकड़े धोते हैं।
ये बिहार में देखो, पूर्वी पश्चिमी पूर्वी भारत में देखो। ओहो मित्र, जितनी युवा यहां बैठे, बेटा मेरी बात सुनो, अपने आप को कभी गरीब मत मानना। आज से भीख भी मांगने पड़ जाए तब भी गरीब मत मानना अपने आप को। जब श्री मंदिर जाओ और द्रव धोने लग जाओ, अपनी पीठ ठोक लेना, एक मैं हूं तीन लोक के नाथ की पूजा करने के लिए द्रव धो रहा हूं, भी बेचारे पापी सुबह से मास्त हो रहे हैं। इससे बड़ी संपत्ति क्या मिलेगी आपको? क्या संपत्ति मिलेगी? जीवन जीने के लिए अनेक साधन हैं, मांस बेचना ही मात्र साधन नहीं है, जीवन जीने के अनेक साधन हैं, लेकिन अशुभ कर्म की तीव्रता ऐसी है उन्हें श्रेष्ठ काम सूझते ही नहीं। भैया भैया, यथार्थ में मैंने आपको इसलिए खड़ा किया था, एक बाली मुनिराज ने पैर का अंगूठा दबा करके कैलाश पर्वत के 72 जिन मंदिरों की रक्षा की है। जितने यहां श्रावक बैठे हैं समाज के लोग, मेरा सबसे कहना है, एक भी मुनि को तुमने बचा लिया, एक प्रतिमा को बचा लिया, इतना ही नहीं, एक हमारे बच्चा मां के पेट में आया, उसका गर्भपात नहीं होने दिया, बच्चे को जन्म दिया है, आपने जिन शासन की रक्षा की है। आज आपकी मां तुम्हारे टुकड़े करा देती, हाथ जोड़े कौन खड़ा मिलता? मां, ये मुनिराज आपको अच्छे लग रहे क्या? ऐसा तो नहीं सोच रही कहां से दुश्मन आ गए, सुबह से ठठुर के आना पड़ गया मुझे, ऐसा तो नहीं सोच रहे हो? बोली, ठठुर की मां इतनी ठंडी पड़ रही है, घर में रहते कमरे में शांति से बैठते, कुछ माताएं चौके में भोजन बना रही होंगी। बोले, महाराज जी अच्छे आए, सुबह से कुएं पे और जाना पड़ गया, ऐसा तो नहीं सोच रहे? नहीं सोच रहे ना, ये अच्छे लग रहे हैं आपको? यदि अच्छे लग रहे हो तो क्यों नहीं सोचती हो, जो इनकी मां में ताकत थी वो मेरे पास भी ताकत है, हम भी अपने एक एक बच्चा मुनि बनाएंगे। अब नहीं बोलेंगे, ये गलती हमारी की आपकी? ये कितनी बड़ी गलती की आपने, भारत में जन्म लेके जैन कुल में जन्म लेकर के एक दिन सुख नहीं भोगे, अनंत अनेक दिन सुख भोगे, लेकिन वे सारे बच्चे तुम्हारे जन्म लेते होते आज तो कितना विशाल भारत में मेरे मित्र अहिंसा का नाश करने वाली जैन समाज होती। वे पापी लोग हैं जो एक के साथ रहते हैं, कई बच्चे होना चाहिए आपके, कई बार सुख भोगे, सारे बच्चे होना चाहिए था जिससे समाज बड़ी होती, अच्छे लोग देश में होते। आप सोच, महाराज जी घर में फिर खिलाते कहां से? मां, बेटा जब जन्म लेता है तभी तुम्हारे आंचल में दूध आता है, आपके कहने से दूध नहीं आता है, वो अपनी व्यवस्था लेके आता है। भाग होगा? ओहो अध्यक्ष जी, मुझे देखो ना, मुझे मतलब मुनियों को देखो, एक भी हाथ से नहीं कमाते, एक भी हाथ से नहीं कमाते। ये दिन माताओं को चिंता है कि महाराज जी ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो खिलाएंगे कहां से? अरे मुझे देखो ना, मैं एक भी हाथ से नहीं कमाता हूं और दोनों हाथों से खाता हूं। ज्ञानी विश्व सागर जी, पुण्य साथ में देता है, पुण्य साथ देता है तो हाथ में ग्रास भी मिलता है, और पुण्य साथ नहीं देता तो हाथ का ग्रास भी नीचे गिराना पड़ता है। बराबर। इसलिए अध्यक्ष जी, ढलती उम्र में अपने भावों से कह देना भगवान के चरणों में बैठ करके, हे प्रणाम, जैसे आज हो देवता गुरु के चरणों में खड़ा हूं, ऐसे अंतिम श्वास में बने रहना और कुछ नहीं चाहिए। विराजो।
जितने बुजुर्ग विराजे सभा में, सभी से मेरा कहना है, बढ़िया अत्या जी इतना भावों से कह देना, जो प्रणाम आज है जीवन की अंतिम श्वास में बे बने रहे। ये मत कहना किसी से कि पहाड़े जी मेरे अंतिम समय आओगे कि नहीं आओगे, ये मत कहना किसी से कि मोंगना अंतिम समय आओगे कि नहीं आओगे, ये मत कहना। बल्कि ये नहीं कहना, आप तो ये कहना, मोंगना जी अपने भावों से आज से बोलना प्रारंभ करो, हे मेरे प्रणाम, मेरे मित्र हो जाओ, मेरी अंतिम श्वास में बेटे बहू को मत बुलाना, मात नमोकार मंत्र गुनगुनाना, मात्र नमोकार मंत्र गुनगुनाना, और किसी को मत बुलाना, जो भी आएंगे समय बर्बाद करेंगे। पहचान लिया हम आए हैं, आप सुनो ना, उन्हें देखने में कहीं प्राण निकल गए सो नहीं देखते चले जाए, इसलिए उनसे कहना तुम्हें पहचानने का समय नहीं बचा है, मैं उसे पहचान रहा हूं जिसे आज तक नहीं पहचाना, वो भगवान आत्मा है। वे यही पूछेंगे कहां रखा है, तुम कहना ज्ञानी अंदर रखा है, बाहर का गया। ओहो, और निकाल सको तो निकाल लो, तुम में ताकत हो, मेरे पास है धम्मम शरणम पवज्जामि। विराजो ज्ञानी, ऐसा जीवन जो जीते हैं ज्ञान में लीन होते हैं, वे ज्ञान में लीन होकर के योगी सर केवल ज्ञानी बनते हैं। केवल नान दिवायर, जैसे मोह विलीन हुआ बार में गुरुस्थान में योगी का, बार में गुरुस्थान में मुरझाज का मोह नष्ट हो जाता है, अब भी कभी भी मोह में नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। भैया भैया मेरे अनुज विष्णु सागर में इन सब से भैया कह रहा हूं, भैया आग पर राख आ रही है, आग पर राख आ रही है, अंगारे पर राख आ रही है, उसे क्रोधो मत, अंगारे पर राख आ रही है उसे क्रोधो मत। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, कंडे की अंगारे पर राख आ रही है, विश्वास रखो कुछ मत करना, अगली सुबह तक तुमको बुझा मिलेगा। भैया मैं क्या बोल रहा हूं सुनो ना, कंडे की अंगारे पर राख आ रही है, उस पर लकड़ी भी मत डालो, घास भी मत डालो, क्रोधो भी मत, छोड़ दो, मां सत्य है, कल सुबह तक ठंडा हो जाएगा। ऐसे है मित्रों मेरे भैया, ए मुरराज अंगारे हैं, इन पर मोह की राख आ रही है, बीत राख ताकि मोह की आग समाप्त हो रही है, इन पर मत छोड़ो तुम लकड़ी, मुझे पहचाना गुरुजी, इन पर मत छोड़ो तुम घास, मेरा काम बन जा गुरुजी, मेरे मित्र मत करो दो, इन विचारों को ठंडा होने दो, अगला भव आने के पहले पहले, अगली चौबीसी आने आते इनके मुख का अंगारा शांत हो जाए।